Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Stray. And ये इस gameplay series का last episode होने वाला है, यानी आज ये game end हो जाएगी. मुझे सचमुच में थोड़ा बहुत रोना आ रहा है. बट अब जैसा कि आप लोग को याद होगा कि last episode में हम लोग आए थे मिड टाउन में Clementine से मिलने, जो कि एक बहुत स्मार्ट रोबोट है और उसको इस डेड सिटी से बाहर निकलने का प्लान पता है. बट वो छुप रही थी सेंटिनल से, मेन पुलिस से, क्योंकि वो लोग उसे पकड़ना चाहते हैं. पर जैसे जैसे हमने उसे ढूंढा, पूरा प्लान पता करा, हमें चाहिए थी बस एक बैटरी, जिस बैटरी के थ्रू हम लोग ट्रेन को स्टार्ट करके एस्केप कर सकते थे. और वो बैटरी लेने के लिए हमने एक बंदे की हेल्प ली और हम बस एस्केप करने वाले थे, लेकिन उस बंदे ने हमारे साथ स्कैम कर दिया, क्लेमेंटाइन को किडनैप करा. और जब हम लोग उसे ढूंढने गए तो उसने हमें पकड़कर डाल दिया जेल में. अब देखते हैं कि आखिरकार मैं इस जेल से कैसे एस्केप कर सकता हूँ. ऑलराइट, तो ये है वो जेल जहां से आज मुझे एस्केप करना है. लिटरली यार, रोबोट्स ने ना कैट के लिए भी एक अलग ही किस्म का जेल बनाया है. मैं इस पे मूव तो कर पा रहा हूँ एंड शायद मुझे बहुत तेज मूवमेंट करनी है और इसको सामने पाइप पे बिठाना है. देखने से तो कुछ ऐसे ही लग रहा है. एंड अपनी जो कैट है, भाई कसम, ओ लेट्स गो, यही करना है. ये खुल गया, दरवाजा खुल गया, मेरे को जंप मार के आगे जाना है. और इससे एस्केप करना तो काफी ज्यादा इजी था. बट हाँ यार, ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है. जैसे काला पानी की जेल नहीं होती, मुझे पता नहीं है कैसी होती है, बट हाँ वाइब कुछ ऐसी सी आ रही है यार इस जगह को देखकर. मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक जेल थी. फिलहाल यहाँ पर एक दरवाज़ा है जो कि शायद ओपन नहीं होने वाला, तो मेरे को यहाँ पर जाने का ट्राई भी नहीं करना. मुझे कोई और रास्ते से आगे बढ़ना है. वेट, मेरे को यहाँ पर एक सामने कुछ तो दिख रहा है. क्या मुझे इसके ऊपर जंप मारनी है? यस, इसके ऊपर जंप मार के मैं आगे आ गया हूँ. इसके बाद मुझे और ऊपर जाना है और फिर आगे जाना है, और शायद से यही रास्ता है. यप, अभी मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ. ओ वेट, मैं किसी दूसरी जगह पर आ गया हूँ. और वेलकम टू जेल गाइस, ये भी एक जेल ही है. देखने में तो जगह एकदम सेम लग रही है, बट शायद मुझे उस तरफ जाना है, क्योंकि ये देखो उस तरफ दरवाज़ा नहीं खुला था बट यहाँ का दरवाज़ा ओपन है. अगर मैं इसके ऊपर क्लाइम करूँ और फिर इस पर क्लाइम करके सामने, मैं नहीं जा पाऊँगा शायद. मेरे को समझा, मेरे को आना है पीछे. वेट, वापस आता हूँ एक बारी. मैं समझ गया क्या करना है मेरे को. मेरे को पहले जाना है आगे. ये थोड़ी सी एक पज़ल है, मेरे को सॉल्व करनी है एक तरीके से, फिर हम लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे. मेरे को पहले जाना है इसके ऊपर एंड अभी मेरे को जाना है इस छोटे वाले पे. एंड शायद अब मैं नीचे, ओह नाइस, मैं नीचे आ सकता हूँ. कैट बहुत प्यारी जंप मार सकते हैं. लेट्स गो, इस जेल से हम लोग एस्केप कर जाएंगे आज कुछ भी करके. और वेट, इस जेल में रोबोट्स भी बंद हो रखे हैं. और ये कौन है भाई साहब? इस जेल में आप लोग देख रहे हो रोबोट्स को किस तरीके से पकड़ रखा है. शायद इन्हें करंट लगाया जा रहा है या फिर इनकी मेमोरी डिलीट करी जा रही है, क्योंकि रोबोट्स में तो यार यही सजा हो सकती है ना. ऐसा तो है नहीं कि उसे डंडे मारेंगे, डंडे इंसानों के पड़ते हैं भाई. रोबोट्स में तो ऐसे मेमोरी डिलीट करना, पता नहीं कैसी कैसी सजाएं आएंगी. बाकी मेरे को भी जाना कहाँ पर है, मेरे को समझ नहीं आ रहा. ये दरवाज़ा एक है और सबसे बड़ी चीज़, मेरे साथ मेरा रोबोट नहीं है, बी12. यार क्या ही हो गया भाई, ये वो हमेशा हमारे साथ होता था, काफ़ी सारी चीज़ें सोल्व करता था. और ये देखो, ये जितनी चीज़ आप देख पा रहे हो ना, कोई वेस्ट नहीं है. एक्चुअल में देखा जाए तो ये रोबोट्स की बॉडी है. वो बेचारों को यहाँ पर लाकर बंद करा है और वो शायद से यहीं पर पड़े पड़े मर गए हैं. बाकी मेरे को कोई रास्ता भी समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा. क्योंकि यहाँ पर है ही रास्ते इतने सारे यार. वैसे अगर देखा जाए, मेरे को जाना तो सामने ही है, बट कहाँ पर जाना है ये नहीं समझ आ रहा. और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पर सिक्योरिटी ड्रोन्स घूम रहे हैं अपना कैमरा लेके. ऊपर से एक रास्ता है, क्या यहाँ से क्लाइम करके जाना है? वेट, मैं ट्राई करता हूँ. आई थिंक मैं इसके ऊपर क्लाइम कर सकता हूँ और यहाँ से मैं चले जाऊँगा पाइप पे. लेट्स गो. ये कैट के लिए रास्ता ढूंढना यार सचमुच में बहुत ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि जंप ही नेक्स्ट लेवल लगती है भाई. वेट, सामने भी एक कैमरा है. भाई साहब जी, थोड़ी देर के लिए. ओ वेट, इसका पूरा ध्यान यहीं पर है, मेरे को लग नहीं रहा ये पीछे घूमने वाला है थोड़ी देर के लिए भी. अभी मैं क्या करूं, साइड से भाग के जाऊं या फिर इसका वेट करूं, ये थोड़ी देर उधर राउंड लगाने जाए, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा. ये जो ब्लू रेंज है, अगर मैं इसमें गया तो भाई बैंड बजने वाली है. मैं ट्राई करता हूँ एकदम साइड से. ओ वेट, आ गया मैं इसकी नज़र में और अभी पड़ने वाली है अपने गोलियाँ. मेरे को छुपना होगा कहीं, तो लेट्स गो. इसके अंदर छुप जाता हूँ मैं, और शायद वो कैमरे को नीचे आने की परमिशन नहीं है, उसका ऊपर ही सिक्योरिटी करने का काम है. और अभी मैं एकदम सेफली आ चुका हूँ. लेट्स गो, अभी हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर देख रहे हो भाई किस तरीके से रोबोट्स को अंदर ही मार डाला है. भाई क्या खतरनाक गलत ही प्रिजन है भाई रोबोट्स के लिए तो. ओ वेट, भाई बच गया, इसको जाने दो. अभी तो मैं मजे में आगे बढ़ रहा था. ये क्या है? ओ
ये रोबोट्स के लिए टॉयलेट का क्या काम है? और बेचारा मरा भी उस पे ही सर रख के है। ठीक है भाई, ठीक है, उसको पता नहीं होगा शायद वो किस लिए होता है। बाकी ओ ओ नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, आराम से आराम से। यहाँ पर तो बेचारा एक सोते सोते ही निपट गया। यहाँ पर नीचे कुछ तो रास्ता है। ओ नाइस, ये कोई तो मेरे को वेंट मिला और इस वेंट के थ्रू मैं इधर से उधर जा सकता हूँ। ये काश मेरे को पहले मिला होता। मैं ऐसी खाली पीली रोबोट से डर। ओ अंदर नहीं, अंदर नहीं, मैं वेंट 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 में जा रहा हूँ। सही है, सही टाइम पर सही चीज़ मिली। अभी वो ड्रोन को समझ नहीं आएगा कि आखिरकार मैं तो उधर क्या था, इधर से कहाँ से निकला। बाकी यहाँ मेरे को जाना है स्ट्रेट। ओह नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई वेट, ये तो फुल ध्यान रख रहे हैं यार। मैं सोच रहा था सीधे निकल जाऊँगा, बट इतना ज़्यादा भी आसान काम नहीं है। दूसरी साइड पर चलता हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा यार अभी। ओ तो मैं इस साइड से ही तो आया था, मैं खाली पीली इधर जाने का ही रास्ता क्यों ढूंढ रहा हूँ। अरे ड्रोन भैया क्या हो गया यार, कुछ कैमरा वैमरा एआई प्रॉब्लम आ गया क्या? इसकी पता नहीं क्या हो रहा है इसको। ये देखो ये देखो ये देखो भाई, इतनी बुरी चेकिंग नहीं करनी। इसको एक बार यहाँ से निकलने देते हैं, मेरे को स्ट्रेट ही जाना है। और अरे भाई 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 भाई, आराम से भाई, इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ तो मैं एक बार यहाँ से ऊपर चलता हूँ, एंड आगे बढ़ने का भी रास्ता नहीं यार, यहाँ यहीं से है, यहीं से है। मेरे को समझ गया, अभी मैं समझ गया मैं कहाँ से जाना है। मेरे को पहले चढ़ना है इसके ऊपर, इसके ऊपर, देन यहाँ पे चढ़ना है, और ये है आगे बढ़ने का रास्ता। लेट्स गो। ओह क्लेमेंटाइन हमें मिल चुकी है। यही है वो रोबोट जिसको इस पूरी डेड सिटी से बाहर निकलने का प्लान पता है। वैसे प्लान अभी हमें भी पता चल चुका है, हम ट्रेन के थ्रू निकलने वाले हैं, बट ट्रेन चलाएगा कौन? ये। और ये जेल में बंद है, बट इसने हमें दिखा दिया कि चाबी सामने पड़ी है। मैं चाह रहा हूँ उस चाबी को लेने। वेट कर तू, तेरी भाषा मेरे को अच्छे समझ आ गई, इशारा काफ़ी है मेरे लिए। बाकी मैं कैट हूँ, मैं अंदर नहीं जा सकता। मतलब तो जा सकता था, बट यहाँ पर ना एक लोहे के साथ साथ ना देखो एक ग्लास भी लगा हुआ है, एंड आई थिंक वो ग्लास भी बुलेट प्रूफ है। तो मुझे कोई नया रास्ता ढूंढना है। ये लो ईजिली भाई, मैं यहाँ से अंदर आ तो गया हूँ, उस तरफ निकलता हूँ। एंड अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी भी नहीं। और वेट, मैं कितनी ईजिली दूसरे रूम में आ गया, ना कोई रोबोट ना कुछ। और यहाँ पर चाबी, एक सेकेंड, चाबी चाबी चाबी, ये रही। तो ये चाबी मेरे को लेनी है और ले जाकर मेरे को दरवाज़ा खोलना। मैं तो खोल नहीं पाऊंगा, मेरे को ऑब्वियसली क्लेमेंटाइन को देनी पड़ेगी चाबी, वो खुद से दरवाज़ा खोल लेगी शायद। तो भी फटाफट से हम लोग निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब हम लोग एस्केप करने वाले हैं, मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। चाबी कैसे तू? ये ले, मैंने यहाँ पर गिरा दी। और ये तो दबे पाँव बाहर आई है भाई। रुक जा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, टेंशन वाली बात नहीं। सामने तीन रोबोट हैं, पूरी चेकिंग मैंने कर रखी। अच्छा सामने जाना ही नहीं, एस्केप ये है। वैसे मेरे को ज़्यादा खतरनाक जगह पे बंद करा गया था, इसको तो एकदम मेन गेट के बाहर ही करा है। एंड उस वाली चाबी से ये वाला दरवाज़ा भी ओपन हो चुका है, एंड हम लोग जेल से एस्केप। वेट, हम लोग जेल के बस एक शेल से एस्केप करे हैं। असलियत में जेल बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई। अरे भूल बोले, ये तो कहाँ जाना है हमें? ये खुद भाई छुप छुप के आ रही है, एक सेकेंड। किस तरीके से दबे पाँव चल रही है भाई एक रोबोट, क्या अलग फील है। अरे अरे आराम से भैया, नीचे तो देख लो, रोबोट तो क्या कुछ भी, पर मुंह पे चढ़ के जा रहे बिल्ली के। एंड वेट, यहाँ पर एक दरवाज़ा और है, और इसकी भी चाबी। भाई सब सारे दरवाज़ों की चाबी मिल गई क्या हमें? एंड कुछ तो होने वाला शायद। ओ ये अपना रोबोट है B12, जिसको एक बहुत डेंजरस केज है, या फिर बहुत ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव है यार वो। इंक्लेमेंटाइन को अपनी जो कैट है वो बुला रही है, शायद से हमें उसे एस्केप करना है। सीधी सी बात है यार, वो रोबोट ने हमारी बहुत हेल्प करी है। कहने को तो वो एक रोबोट ही है, बट यप, इस गेम में रोबोट्स के साथ बहुत इमोशंस जोड़े हैं। तो यस यस, हम करेंगे एस्केप। इसकी तो भाषा ही नहीं समझ आती, रोबोट है। ठीक है, तो अभी मेरे को अकेले जाना है। ये वे, एक सेकेंड, को शायद से इसके साथ चलना चाहिए। ये दरवाज़ा खोल लिया, क्योंकि नीचे जाने का रास्ता यहाँ से तो नहीं है। हाँ यहाँ से नहीं है, मेरे को इसके साथ साथ ही जाना है। चल 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 चल, भाग के चल, अपने रोबोट को हम लोग कुछ भी करके बचाएंगे, भले ही वहाँ पर बहुत सारे ड्रोन हो या कुछ भी हो। आ जाता, अरे आराम से यार, भैंस की इज्जत ही नहीं है, पूरा कचल वचल के चले जाती है। वेट, अब डेंजर काम होने वाला है कुछ। हम लोग तो इजीली एस्केप कर गए, बट जो अपना रोबोट है B12, उसको एस्केप कराना काफ़ी डेंजरस होने वाला है। लेट्स गो। ये क्या है? अच्छा ये सारे वो मतलब मशीन्स हैं, इन सबको वो रोबोट ही हैक करके खोल सकता है दरवाजे। बट अब वो जब तक होगा नहीं, हम लोग का शायद से यहाँ पर एस्केप करना भी एक टाइप से इम्पॉसिबल है। मैं यहाँ पर एकदम, ओह वेट, मैं तो सीधा कंट्रोल रूम में आ गया। कोई बटन वगैरह नहीं है क्या जिससे सारे दरवाजे ओपन हो जाएं? यहाँ पर है तो, बट शायद मैं इसे प्रेस नहीं कर सकता, मुझे अभी आगे बढ़ना है। दोबारा से आगे, भाई यहाँ पर लेजर्स हैं, ये बंद नहीं होगी। एक सेकेंड,
ना किसी तरीके से। यस ये तरीका है, हम लोग ऊपर से जाएंगे और यहाँ पर बीच में एक ये हैंग लाइट है, इसके ऊपर से भी टाप के मैं आ गया हूँ दूसरी साइड पे। और यहाँ पर भी ऐसा कुछ खास नहीं। हेलो, ये यहाँ से पीक करके हमें देख रही है। मेरे को भी जाना है अंदर, बट मैं जा कैसे ले रहा हूँ मेरे को पता नहीं। शायद से मेरे को ये सारी लेज़र्स वगैरह बंद करनी है। हाँ, अगर मैं लेज़र बंद कर दूँगा तो जो बीट वेल की लेज़र है शायद वो भी बंद हो जाएगी और हम लोग उसे एस्केप कर पाएंगे। बाकी ये थोड़ा सा रिस्की काम है, साइड साइड से इसको निकलने दो पहले। सामने रोबोट है, इधर आया मैं। ओह वेट वेट वेट, पहले इधर आ जाओ। नाइस, अभी मैं सेफ हूँ और मैं थोड़ी देर इसके अंदर छुप सकता हूँ। इसके अंदर छुप के ना पहले पूरा देख लेते हैं। ये रोबोट वैसे इधर ध्यान नहीं दे रहा, इसका मेनली ध्यान ऐसे राइट लेफ्ट जा रहा है। एंड शायद अभी मेरे को ना वो देखो भाई सामने ही अपना रोबोट। ओह नाइस, मैं भी यहाँ से निकल सकता हूँ लेफ्ट को। और यहाँ पर भी कुछ लेजर्स हैं, क्या मैं इस पर क्लाइंब? नहीं, आराम से, जल्दबाजी नहीं, थोड़ा सा सोच समझ के करने वाली चीज़ है। पहले मुझे चढ़ना है इस वाले एसी पे, इस वेंट पे, एसी जो भी है। अब जैसी वाली नीचे आएगी मेरे को आगे वाले पे जाना है। वेट एक सेकंड, ये मारा जंप और यहाँ से नीचे, डन। अभी एक बारी बैठता हूँ मैं इसके अंदर, छुप के पहले पूरा इंस्पेक्ट करता हूँ कहाँ पर रोबोट्स हैं, कहाँ पर अलग सिक्योरिटी है। ठीक है, मेरे को समझ आ गया। ओ नहीं, वेट, पहुँच गया, शायद ये यहाँ तक ना आए। यस, इसका जो सर्कल है ना, इसकी रेंज है, जो कि अच्छी बात है, हमें दिख पा रही है। नहीं दिखती तो शायद पता नहीं मैं कितनी बारी पकड़े जाता इनके हाथों तो। बाकी ओ वेट, मेरे को लीवर मिल चुका है, मुझे इसे डाउन करना है। एंड सारी सिक्योरिटी, सब कुछ बंद हो चुका है, बट ये चीज सभी रोबोट ड्रोन्स को पता चल चुकी है। एंड वेट, सबके कलर येलो हो चुके हैं, यानी इन्हें पता है कि किसी ने गड़बड़ करी है। भाई बहुत ज़्यादा स्मार्ट ड्रोन्स हैं। अब वो लोग शायद से प्रॉपर सर्चिंग में चले गए। ओह वेट, अभी क्या इनका एआई थोड़ा हाई हो गया है, कुछ अलग ही तरीके से सर्च कर रहे हैं। बट हाँ, मेरे को फटाफट ना निकलना है, मेरे को अच्छे से याद भी नहीं। ओह वेट, याद क्या करना है, आया कि पहुँच गया मेरे को बस ये। ओह नहीं नहीं, आराम से। ओके, तो भी इन दोनों ड्रोन्स का ध्यान यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, यानी मैं इसको उठाकर यहाँ से निकल सकता हूँ। मैंने बिल्कुल प्यार से इसे उठा लिया है और बाहर निकलने का रास्ता यही वाला था। और अभी कहीं पर भी कोई इसका वेट, मैं फंस चुका हूँ एक जगह पर आकर। बच गया, वो ड्रोन वहाँ से गया तो, बट उसने मुझे देखा नहीं। मेरे को भी घूम के बस यहाँ से निकलना है, मैं इस रूम से आया था। यप, यही है वो कंट्रोल रूम, लेट्स गो। हम लोग अपने ड्रोन को लेकर आ चुके हैं, अभी हमें आगे का भी रास्ता मिल जाएगा। ये ड्रोन सारे की पैड्स को हैक करके अनलॉक कर सकता है। और बेचारा, हेलो, एक यही तो था जिससे हम लोग बात कर सकते थे। अबे एक्टिंग मत कर भाई, कैसे खुश हो रहा है, गोल गोल घूम के दिखा रहा है। लेट्स गो, B12 वापस आ चुका है हमारे पास। B12, आई फेल लाइक आई वाज ट्रैप्ड इन माय लैब्स कंप्यूटर सिस्टम अगेन ऑल अलोन, बट यू केम बैक फॉर मी, आई कांट बिलीव इट, यू आर अ गुड फ्रेंड। वो तो हम ही अभी जल्दी से, वैसे हम मतलब ही हैं, हमें ये पासवर्ड खुलवाना था इसलिए बुलाया, वरना हम निकल जाते हैं यहाँ से। Clementine, वी नीड टू फाइंड अ वे आउट ऑफ हियर, कैन यू ओपन दैट डोर जस्ट? मैं कह रहा था ना, देख रहे हो, मतलब ही हम। चल भाई फटाफट से अभी वाला दरवाज़ा ओपन कर, अब हम तीनों मिलकर यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। आ जा भाई, वेट, ये जगह भी भाई, अभी जेल एस्केप नहीं हुआ, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा आखिरकार कितना बड़ा जेल है। एंड वेट, यहाँ पर मेरे को एक लीवर नज़र आ चुका है इस तरफ, मेरे को जाना है उस साइड ऊपर, तो मेरे को कोई रास्ता दिख नहीं रहा। मैं किधर से जाऊँ, शायद मेरे को Clementine से बात करनी है, नहीं वेट अ सेकेंड, थोड़ा बहुत सोचा। ओ ये क्या है, यहाँ पर कुछ ब्रिक्स पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, ये ले भाई ईंट ले। ओ समझ गया, ये शायद से ईंट से ऊपर वाला वो कांच तोड़ेगी एंड उस कांच के थ्रू टूटने के बाद मैं उस पार जाऊँगा और हम लोग करने। और ये ले ले, और ईंट ले ले भाई, तू भी याद रखे, लेट्स गो। ये आ चुकी है, ये शीशे पे फेंक के मारेगी, फेंक दे। ये बात, शीशे तोड़ दिया एक में ही। अरे अब बहुत ज़्यादा शोर हो गया है, तो मैं भी जा सकता हूँ इतनी ऊपर? पहले तेरे ऊपर चढ़ना होगा क्या? नाइस भाई, अभी तो सब कुछ समझ आ चुका है, लेट्स गो। यहाँ पर आ गया मैं दूसरी साइड, यहाँ पर लैंड और इस तरफ, बस मेरे को ये वाला लीवर डाउन करना है एंड दरवाज़ा ओपन हो जाएगा, डन। गेट ओपन हो चुका है, Clementine भी इस साइड आ चुकी है और अभी हमें यहाँ से और आगे बढ़ना है। भाई शायद अब जेल एस्केप होने वाला है या फिर अभी भी नहीं। सामने कुछ ड्रोन्स तो हैं, Clementine, दो सेंटिनल्स आर ब्लॉकिंग द वे अगेन, दे विल स्पॉट मी इंस्टेंटली। यप, मे बी यू कैन ट्राई टू बेट देम इन टू दो सेल्स एंड लॉक देम इन। ओके, तो ये कह रही है कि सामने जो ड्रोन्स है ना, ये दरवाज़ा ओपन ही था, नाइस। तो ये जो सामने ड्रोन्स है ना, ये कह रही है कि ये इसको ईजिली ढूंढ लेंगे और पकड़ के
बंद कर देंगे दोबारा से, बट हम काफ़ी छोटे हैं साइज़ में तो हम लोग इनको चकमा दे सकते हैं। इसने कहा कि तुम इनको सेल में ले जाके बंद कर दो। बाकी ये देखो रोबोट्स, मैं कह रहा था ना यहाँ पर बंदों को बहुत अलग ही सजा दी जा रही है। ये देखो उसको भाई साहब पूरा रिबूट कर दिया। डू यू सी दैट गाय ऑन द ग्राउंड ओवर देयर, ही डू यू सी दैट गाय ऑन द ग्राउंड ओवर देयर, ही वॉज रिबूटेड, आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई मेमरी, आई एम सो स्केयर्ड। ओ इसकी मेमरी नहीं डिलीट करी गई है। ये जो सामने कौन सा बंदा, अच्छा तो ये जो बंदा है ना ये जिंदा है, बट इसके इसके मतलब रोबोट में इसका जो मेमोरी कार्ड है वो हटा दिया है। मतलब बस एक ऐसा एक कैसे बताऊँ, एक चलते डिस्प्ले है बस, अभी किसी काम का बंदा नहीं है। दिस रिकवरी सेंटर हैज डन मी द ग्रेटेस्ट गुड, माय माइंड इज क्लियर एंड लिसन। भाई सचमुच में ये जेल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है भाई, कसम से। बाकी हाँ मेरे को इस ड्रोन को चकमा देना है, और उसने कहा था मुझे इन्हें सेल्स में बंद करना है। मैं कैसे कर सकता हूँ? अच्छा 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 समझ गया सब कुछ। तो मुझे क्या करना है, पहले इस ड्रोन को अपने साथ बुलाना। आजा भाई मेरे को पकड़, आजा। अरे मार मत दियो, पकड़ने की बात हुई है बस। ये मेरे पे गोलियां चलाएगा एंड मेरे को इसे अंदर लाना है, और फटाफट से ना बाहर निकल के इसे मेरे को ये बंद करवा देना दरवाज़ा। कर जल्दी से, नाइस। अभी वो अंदर बंद हो चुका है। अगर अब मैं अपने साथ क्लेमेंटाइन को लेकर आऊँगा तो वो चलेगी। आजा लेट्स गो। हमने ईजिली इस काम को कर दिया, और शायद आगे भी कुछ ऐसे ही करना है, क्योंकि मेरे को आगे ड्रोन तो नज़र आ रहे हैं भाई। बहुत ख़तरनाक है सेंटिनल्स, और सामने कुछ बंदा भी खड़ा हुआ है एक। हो ये तो उस पार एक, ये कैदी है वो, नहीं सेंटिनल ने कैदी है। खोल दे भाई, इसको भी खोल दे जल्दी से, मैं इनको सेटल कर दूंगा इजीली। आ जाओ भाई, ये एक है कितने हैं गाइस, एक बार ही आप लोग इस बंदे को देखो, बेचारे को पता नहीं कितने टाइम से यहाँ पर बंद कर रखा है। हे डोंट गेट मी इन ट्रबल, आई ओनली हैव 750 ईयर्स लेफ्ट। 750 भाई, ठीक है मैं, मेरे को तेरे से बात ही नहीं करनी है भाई। कसम से रोबोट्स का जेल तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है भाई। 758 ईयर्स अभी उसके बचे हैं, पता नहीं यार क्या ही सीन है। बाकी हाँ मुझे इन दोनों ड्रोन्स को, इन सेंटिनल्स को यहाँ पर बंद करना है, और मैं इसकी रेंज में आ गया हूँ। बट एक सेकेंड, मैं इससे बच सकता हूँ। एक काम करता हूँ, दोनों को लेकर चलता हूँ अंदर वाले रूम में, पर पढ़ सकते हैं मेरे। आजा भाई तू भी आजा, दोनों को भी अंदर लेकर जाना है मुझे। और पहले तो ये वाला, ओह वेट 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 वेट, ओ ओ ओ बच गया। ये वाला गेट खोल जल्दी से, एक ही दोनों अंदर आ गए, फिर तो गेट खोलने की जरूरत ही नहीं थी। अभी मैं फटाफट डायरेक्ट यहाँ से एस्केप कर लेता हूँ। ये वाला दरवाजा बंद करो मेरे को। ओह ये बाहर आ गया, वापस अंदर आ। इसको अंदर लेकर चलते हैं, एक तो अंदर फंस गया है, इस दूसरे वाले को भी अंदर आने देते हैं। ओए हेलो, भूल गया क्या मैं कहाँ था? अरे वो तो वहीं देख रहा है, इधर हूँ भाई, इधर। अरे नुबड़ू, इधर आ जा। हाँ चल, अभी मेरे को इसे दूसरी साइड से अंदर लेकर चलना होगा। आ रहा है मेरे पीछे आ रहा है। इसको बस यहाँ पर अंदर लाना है, और उसके बाद यहाँ से मुझे एस्केप करना है। वैसे मैं दोनों को एक साथ भी कर सकता था, बट मैंने थोड़ा सा लोहोंग मेथड यूज़ कर दिया। फटाफट बंद कर बाहर आ जाएगा, वरना वो ओह यार बाहर आ गया ये। वापस खोलते हैं इसे अभी, और मेरे को भी यहाँ से भागना है। चल बेटा अब अंदर आ जाए, इसको अब मैं बंद करूँगा कुछ खतरनाक तरीके से। पहले इसको लेकर चलते हैं अंदर। आने दो इसको, थोड़ा सा और अंदर आने दो, ताकि इसे जब ओके तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा अंदर आ चुका है, और अब मैं यहाँ से इजीली एस्केप कर सकता हूँ। बंद कर दे बस, अब आ जा बेटा। हाँ आ जा बाहर, आ जा लेट्स गो। तो दोनों को हमने बंद कर दिया है। चल भाई थोड़ा सा टाइम लगा दिया मैंने, क्योंकि मैं दोनों को एक साथ नहीं कर पाया था, बट अभी जो रास्ता है वो सेफ है। एंड आई थिंक हम लोग ओपन एरिया में आ चुके हैं, ऊपर हमें स्काई नज़र आ रहा है, और लेट्स गो। अबे तुम लोग भी एस्केप कर लो, आ जाओ साथ में आ जाओ। बेचारों को मैं मेमोरी डिलीट करती हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मतलब उनके पास माइंड नहीं है, ऐसा समझ लो है, बट उसकी वायर कनेक्ट नहीं है। बाकी वेट मेरे को समझ आ गया, मेरे को उस पार जाके लीवर डाउन करना है, एंड मेरे लिए ये रहा वेंट। फटाफट से हम लोग यहाँ से जाते हैं भाई, ये कैट होने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम लोग फाइनली एस्केप कर चुके हैं, लीवर डाउन। आगे क्या वायर, एग्जिट का दरवाज़ा प्लीज़ ओपन हो जा। अरे दिस डोर इट्स द ओनली वे आउट ऑफ दिस जेल, ओके I think we can open it from that control room over there. We have to find a way to get to access that room. Okay, let's look around. तो हमें उस रूम में भी जाने का रास्ता ढूंढना है, तो मैं देखता हूँ, रुक जाए, इस रूम में जाने का रास्ता। यहाँ पर से तो वैसे कुछ भी देखने से समझ नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ पर एक लीवर है, देखो ये लीवर मेरे को डाउन करना है, अपना काम हो जाएगा। वैसे रास्ता समझ आ गया। नहीं, रास्ता है तो ये, हमें वैसे वाली बाउंड्री पार करनी है। क्या मैं साइकिल पे चढ़ सकता हूँ? नहीं, रास्ता होगा यहीं कहीं, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा घूम के। अबे ये थोड़ा, वेट
मैं इसके ऊपर क्लाइम कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। एक सेकेंड, शायद मुझे क्लेमेंटाइन से ही बात करनी होगी। हेलो, अरे अरे आराम से। नहीं, एक सेकेंड आया बात करने का। दिस डोर इज़ द ओनली वे आउट ऑफ दिस जेल, कितनी बार बताएगी। आई थिंक वी कैन ओपन इट फ्रॉम दैट कंट्रोल रूम ओवर देयर, वी हैव टू फाइंड अ वे आउट। ठीक है यार, ये तो वही बात रिपीट हो गई। कुछ तो है रास्ता जो कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बाकी यार यहाँ पर ये देखो, एक थ्री व्हीलर है एंड इसके अंदर चाबी भी लगी हुई है। क्या इससे कुछ लेना देना है? वेट, मेरे को यहाँ पर थोड़े बेचारे का वो ख़राब करना है। अच्छा, हमने चाबी बचाई। ओ लेकिन द लेफ्ट द कीज इन द डोर। ठीक है, अभी अपना काम हो जाएगा। ये इस शायद टेम्पो के थ्रू हम लोग दीवार तोड़ के तो नहीं निकलेंगे। मेरे हिसाब से मेरे को इसके ऊपर क्लाइम करना है और फिर अपना काम हो जाएगा। लेट्स गो, समझ गया मैं। तो मेरे को पहले चढ़ना है इसके ऊपर और ये भी इसे पीछे लेकर जाएगा एंड मैं क्लाइम करके दूसरी साइड जा सकता हूँ। अरे आराम से, मैं मुँह पर बैठ जाता हूँ। ठीक है, चलो चलो चलो, हो गया अपना काम, हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा ईजी एंट्रेंस थे। बाकी एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ है तो नहीं ना पता चला भाई। एंड, क्योंकि एंड मोमेंट में कुछ भी हो सकता है भाई। ये गेम पूरी एंड होने वाली है। इस टाइम हम लोग एग्जिट कर चुके हैं जेल से, अब बस हमें ट्रेन में जाके बैठना है और हम लोग सिटी से एस्केप कर जाएंगे। मजा आने वाला है, लेट्स गो फटाफट। ओह वेट, कुछ का अच्छा गेट खुल दे, सायरन बज चुके हैं। वेट, नहीं नहीं नहीं, ये मैं कहाँ आ गया? एक सेकेंड एक सेकेंड, भाई सायरन बजने लगा। अरे अरे अरे, भागो भागो, चला 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 मेरे को। अरे रुक तो, अबे अकेले नहीं, वो भैंस की टांग तेज चला रही है वो तो। रुक जा, पड़ जाएगी मेरे। भाई 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 भाई, कितनी ज़्यादा डेंजरस टनल है। मैं पूरा जिगजैग इस टाइम पूरा जिगजैग भाग रहा हूँ ताकि उनका निशाना ना लगे। थोड़ी सी ब्रेक मार ले, नाइस, हम लोग चढ़ चुके हैं और जितने भी सेंटिनल्स हमारे पीछे आ रहे हैं। बट अब हम लोग फाइनली एक बहुत प्यारा वाला एस्केप कर चुके हैं सिटी से। ओह वेट, ये तो काफ़ी तगड़ी ड्राइवर है। ओह एक सेकेंड भाई, क्या क्या शॉट्स आ रहे भाई, मस्त। थ्री, ओरे ओरे, आराम से आराम से आराम। ओह वेट, आ गए क्या हम लोग? नाइस। ओ ये क्या है? देयर इज नो वे वील all make it with the sentinels on our tail. I can distract them for a little while, but you have to go. The outsiders manifesto says we must go outside at any cost. I wrote that. यार ये तो जबरदस्ती की sad ending कर रहे हैं। जिस बंदे ने पूरा plan बनाया था यहाँ से escape करने का, वो ही नहीं आ रहे हैं। यार one of us now. It's not that everyone has to get to the outside, but one of us has to, okay? उसने मेरे को सबवे की दे दी है एंड शायद से ये ट्रेन का की है। यप, सबवे की। गो नाउ, आई विल कीप यू इन माई रैम, लिटिल आउटसाइडर। जैसे हम कहते हैं ना, आई विल कीप यू इन माई माइंड, तो रोबोट्स की लैंग्वेज में इन माई रैम। ओहो, अभी तो इनका चेस चलने वाला है। बट अब क्लेमेंटाइन, जिसने पूरा प्लान बनाया था इस सिटी से, सब कुछ पूरा प्लान एस्केप करने का, मतलब वो बस अपने घर में फंसी हुई थी, हमें बता नहीं सकती थी। बट आज हम लोग पूरा निकले, बट वो रह गए। ये ज़बरदस्ती की सैड एंडिंग हुई है इस गेम की। कर जो भी है, ये किसका घर है भाई? ये शायद से किसी होमलेस बंदे का घर होगा जो कि सबवे पे रह रहा है। मतलब काफ़ी डिटेल दी गई यार इस गेम में। यहाँ पर एक रेडियो है, उसका बजा देता हूँ, अपना बजते रहेगा। ज़बरदस्ती की सैड एंडिंग, बार बार मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ जो कि सच में है। लेट्स गो एंड अभी शायद से गेम एंड हो चुका है, हमें बस ट्रेन में बैठना है। बट नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले मेरे को बैटरी लगाना है ना। ये वायर जहाँ पर जा रही है ना, मुझे उस वायर को फॉलो करना है। मैंने स्टार्टिंग में देखा था वहाँ पर कुछ लगना है, मेरे को पता नहीं था कि उस चीज़ को लगाने के लिए इतना काम करना पड़ेगा। लेट्स गो, यहाँ पर लाकर मुझे वो बैटरी लगानी है। यूज़ आइटम एंड ये है वो बैटरी, तो इसको लगा दो। बैटरी लग गई एंड ट्रेन अब स्टार्ट हो जाएगी। न्यू कॉरपोरेशन, न्यू नहीं शायद नेको कॉरपोरेशन। ये तीनों लाइट्स जल चुकी है। ओ ट्रेन एक्टिव, चाबी हमारे पास है, हम चला पाएंगे ट्रेन? बिल्ली चला सकती है? भाई देख रहे हो कैसे वायर में सब में करंट आ गया। ये हो चुका है शायद से एस्केप, आई थिंक। अगर आगे भी कोई चैलेंज या कोई प्रॉब्लम ना हो तो लेट्स गो, चलते हैं ट्रेन में। खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है बट दुख भी हो रहा है थोड़ा सा। सबसे पहले तो हमें इसका पास, यहाँ पर की लगानी है, मेरे पास की है तो कुछ हैक करने की ज़रूरत नहीं है। डन, दरवाजे बंद एंड अभी हमें शायद से बाकी बंदों को भी तो अपने साथ पिकअप करना है ना, वो जो मेन रोबोट्स हैं। हम अकेले थोड़ी एस्केप करेंगे यार, सबकी हेल्प ली है, सब लोग यहाँ से एस्केप करना चाहते हैं। बट ये वाली जो सिटी थी ना, जहाँ से भी हम लोग भाग कर आए, ये लोग नहीं चाहते, इनको मज़ा आ रहा है ऐसी लाइफ जीने। इन्हें इनको उल्टा मस्त लग रही है कि क्या बढ़िया जगह रह रहे हैं।
बट असलियत में एक ये वर्चुअल वर्ल्ड है एंड नाइस हम लोग सबवे के थ्रू कंट्रोल रूम केम एंड नहीं हुआ है अभी हम लोग आए हैं अभी कंट्रोल रूम में और ये ट्रेन अभी भी चल रहा है मैं तो नीचे हूँ येरा और रुकने ओह हम लोग कंट्रोल रूम में आ गए और यहाँ पर ओह वेट मेरे को बाहर रोबोट्स दिखे किसी अच्छी जगह पर आ गया हूँ शायद से मैं ओह नाइस क्या साउंड है बहुत अच्छा लगता है वाला साउंड पता नहीं कहीं की तो याद दिलाता है तू मेरे को नुकसान तो नहीं पहुँचाओगे ना हेलो झाड़ू झाड़ू अरे तेरी झाड़ू साइड रख इससे बात करता हूँ एक बारी हेल्पर 411 हेलो हाउ मे आई हेल्प यू वाह ख़त्म बात भाई इतनी सी कॉन्वर्जेशन ठीक है उसके लिए ओह यहाँ पर स्टेयर्स हैं जो कि वर्क नहीं कर रही हैं मेरे को ऊपर चलना चाहिए और ये कंट्रोल रूम काफ़ी खाली सा है वॉल सिटी 99 यहाँ पर ओह एक सेकेंड यहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स हैं बट ये बहुत अलग तरीके से काम कर रहे हैं जैसे इनके पास और कोई काम ही ना हो जैसे ये पेड़ की पत्तियाँ काटने में लगा हुआ है वो नीचे सफाई कर रहा है ये वॉल पे पेंट कर रहा है ये कुछ तो अलग सी जगह पर हम लोग आ गए हैं बट अभी भी हम लोग उस जगह से बाहर नहीं निकले हैं यहाँ पर ओह सामने कुछ तो है बहुत प्यारा सा अभी कौन सी गैलेक्सी है ओह वेट अब मैं समझा तो ये जितनी जगह आप देख पा रहे हो ना गाइस इन्हीं सब जगह पर हम लोग इतने दिनों से घूम रहे हैं शायद से यही है वो डेड सिटी एंड इनमें से यहीं कहीं पर होगा मिड टाउन मेरे हिसाब से तो ये पूरी डेड सिटी है मतलब तीन चार टाइप के नहीं नहीं ये ऊपर वाला एरिया है यहाँ पर शायद अभी तक हम लोग नहीं आए हैं ये नीचे वाला एरिया है ये सारी जगह पर देख रहे हो कैसे वायरस फैल चुका है वहाँ पर आपको कुछ तो दिख रहा होगा वो कंट्रोल टावर है भाई सारी जगह पर इतने टाइम से घूम रहे हैं और ये जो ऊपर आप देख पा रहे हो ना ये एक एक्चुअल स्पेस वाला स्काई नहीं एक ये फेक है हमें दिखाने के लिए मतलब कुछ तो है जिस वजह से हमें एक तरीके से कैद कर रखा है यहाँ पर बाकी हाँ मैं इनसे बात नहीं कर सकता बात तो कर सकता हूँ बट इनके पास कुछ बात करने के लिए बात नहीं है हेल्पर 195 हेलो दिस सिटी हैज़ बीन सील फॉर योर सेफ्टी प्लीज़ रेफर टू एनी सर्टिफाइड इंजीनियर इनसाइड द कंट्रोल रूम इफ़ यू हैव एनी रिक्वेस्ट हैव अ नाइस डे तो कह रहा और कुछ जानकारी के लिए हमें कंट्रोल रूम में जाना है कंट्रोल रूम कहाँ पर है उसका रास्ता भी बताया था कहीं लिखा है क्या ओ वेट इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है सामने कंट्रोल रूम मुझे इसके अंदर जाना है और वहाँ पर कोई सर्टिफाइड इंजीनियर है कह रहे हैं उससे बात कर सकते हैं पता नहीं कितने होंगे वो यहाँ पर उनको कोई दिख तो रहा है नहीं बट अब सबसे ही बात करेंगे द कंट्रोल रूम इज़ क्लोज्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इट सेज दैट ओनली ह्यूमंस आर ऑथोराइज्ड टू एंटर ओके इट ऑल्सो सेज दैट आई एम नॉट कंसिडर्ड ह्यूमन Hey, that's offensive security protocol. Maybe if we work together, we can open this passageway. Okay. तो ये जो control room है इसमें सिर्फ और सिर्फ humans की entry है यानी जितने robots हैं ये लोग भी ना घुस जाएं इसलिए ऐसा किया गया है तो हम लोग कुछ ऐसा ढूंढना है कि हम लोग कैसे अंदर जाएं क्योंकि शायद ये control room ही है जो कि जिससे शायद से सारे रास्ते अनलॉक हो जाएं ये जो fake space है ये हट जाए कुछ ऐसा होगा जिससे हम लोग यहाँ से एस्केप कर पाएंगे बाकी मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि वो कंट्रोल रूम में जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते इधर तो ऐसा कुछ खास है नहीं मेरे को जो ढूंढना है उस तरफ ही ढूंढना है हमें क्या ऐसा काम करना होगा जिसके थ्रू यहाँ से मैं उस पार जा पाऊँ यहाँ पर दो दरवाजे हैं आई थिंक ये ओपन तो नहीं होने वाले हैं ये ओ वेट ये कुछ है यार यहाँ पर कुछ तो आ रहा है सिलेक्ट करने का बट शायद से वो काफ़ी दूर है इसलिए मैं उसे सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे कुछ लेकर आना है ऊपर क्लाइंब करने के लिए वेट एक सेकेंड ये क्या है कुछ तो बंदा शायद से मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला से बात करते हैं और नमस्ते कर रहे हैं नाइस ग्रीटिंग्स इनहेबिटेंट ऑफ वॉल सिटी 99 दिस डोर लीडिंग टू द सरफेस इज करंटली लॉक्ड ड्यू टू द कॉन्फिनमेंट प्रोसीजर Please refer to any certified engineer inside the control room if you have any request. Have a nice day. ठीक है भैंस की टांग तेरी दिमाग खराब पता नहीं क्या क्या बताया मेरे को कुछ नहीं समझ आया बस मेनली यही है कि यार हमें उस कंट्रोल रूम में जाना है वहीं से आके हमें सब कुछ पता चलने वाला है बाकी हाँ यहाँ पर ना मेनली इस सिटी को सील्ड कर रखा है और ये जो सील करा गया है सिटी को पूरा बंद करा गया है उसका पूरा कंट्रोल रूम यहाँ पर है यानी जो सिटी बंद हुई है ये खुलेगी तो इस कंट्रोल रूम से खुलेगी यानी जितने भी बंदे फंस गए हैं यहाँ पर सारे रोबोट्स फंस गए हैं जो बाहर जाना चाहते हैं वो इस कंट्रोल रूम के बाद ही बाहर जा पाएंगे शायद हमें वहाँ से कोई स्विच बंद करना होगा या चालू करना होगा बाकी यार पता नहीं मैं ऐसा क्या मिस कर रहा हूँ जो मैं इधर जा नहीं पा रहा वेट इधर ही दोबारा से करूँ
ओह मेरे को कुछ नहीं करना था, बस दोबारा टैप करना था। मैं पूरे में नाच के आया हूँ भाई, मतलब मेरे को शायद से अभी उधर दोबारा जाकर। अरे यार अभी भी बहुत दूर है, तो कैसे करूँ मैं? हो क्या, क्या कर रहा है इसने, क्या कर रहा है? हमें एक साथ काम करना है, ठीक है ये चीज़ मैं समझ गया था, बट यार मैं उतनी ऊपर जा नहीं पा रहा हूँ ना, प्रॉब्लम यही आ रही है, अपनी हाइट नहीं है उतनी। कुछ खिसका के लाना है क्या इधर? ओ ये मिली ना काम की चीज़, इसको ले आ भाई साथ साथ। नाइस 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 नाइस। अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ तो ऐसा होगा क्योंकि मैं ऊपर चढ़ नहीं पा रहा हूँ। ले आ ले आ ले आ ले आ ले आ, आंदे आंदे आंदे, बस 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 बहुत अच्छा, स्टॉप कर दे, लग गया। अभी जा, अभी इस पर काम करते हैं, अब हम लोग गाइस कंट्रोल रूम ओपन कर पाएंगे। ये हमने करा ओपन, और अब मैं भाग के आ सकता हूँ इसे इधर, वो हैक कर लेगा। एंड यहाँ से हमें क्या करना है, तारे तोड़नी है। नाइस 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 नाइस, हो गया हैक है। काफ़ी अभी सिंपल है भाई, बिल्ली सब कुछ कर सकती है। गेट ही वाला, ओ ओपन हो चुका है, हम लोग कंट्रोल रूम में आ गए। अब जल्दी से वो लीवर दिखा दो। दिस इज द कंट्रोल रूम फॉर द एंटायर सिटी, दे कंट्रोल एवरीथिंग फ्रॉम हेयर एंड इट्स एम्प्टी। यहाँ पर कोई भी इंजीनियर नहीं है। आई रिमेंबर हेटिंग देम सो मच, मतलब ये जो अपना रोबोट है अभी शायद इनसे चिढ़ता था। दे हैड एवरीथिंग, क्लीन स्पेस, लिमिटलेस पावर, फ्रीडम टू मूव, लिटिल गुड इट डिड देम। ओके द प्लेग आई रिमेंबर नाउ, मतलब अपना रोबोट भी एक टाइम पर रियल इंसान ही हुआ करता था। उस रियल इंसान ने इस रोबोट को बनाया, तो सारी मेमोरी डाल दी। एवरीवन वाज डाइंग एंड दे थॉट दे वर अबव इट ऑल, दे डिड नथिंग टू हेल्प अस। आई वॉच माई फैमिली डाई, आई फेल्ट हेल्पलेस, आई कुडंट डू एनीथिंग टू सेव देम। इसकी फैमिली वगैरह भी मर गई होगी और ये उन्हें बचा नहीं पाया, बट आई कैन स्टिल हेल्प यू, वी कैन स्टिल गो आउटसाइड टुगेदर। आई विल कैरी द मेमोरीज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द पीपल आई लव। ओके तो अभी हमें यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है भाई। बाकी खाली इमोशनल कैसे कर रहे हैं भाई, मतलब हाँ। तो अभी हमें फोकस करना है यहाँ से बाहर निकलने पे। हम लोग आ चुके हैं उस डेंजरस कंट्रोल रूम में, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सिटी लॉक हो रखी है। पर वो कोई बटन है क्या है जहाँ से मैं उसे ऑफ करूँगा? मेरे को भाई सिटी को आज़ाद करना है आगे। बंदो देख रहे हो कितनी बिल्ली प्राउडली बोल रही है। यहाँ पर तो देखो कैफेटेरिया है, यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी खास नहीं मिलने वाला। उस तरफ चलकर देखता हूँ एक बारी, यहाँ पर काफ़ी सारे ना कंप्यूटर्स तो लगे हुए हैं। ये देखो एक बारी ऊपर चढ़ता हूँ पहले मैं, ये कुछ तो काम के लग रहे हैं बट इनसे कुछ हो नहीं रहा। एक सेकेंड, सामने एक डिस्प्ले में लाइट जल रही है, मैं अगर यहाँ पर जाऊँ। ओह नाइस, कुछ तो मिला मुझे, शायद से इस पर काम करना है। कंट्रोल रूम, दिस इज इट द मेन कंप्यूटर। ओके हैक कर लिया, नाइस। मेन कंप्यूटर था सब कुछ होने का। अकॉर्डिंग टू द मेन फ्रेम नो वन हैज बीन हेयर फॉर ईयर्स, मतलब काफ़ी सालों से यहाँ पर कोई आया ही नहीं है। द होल सिटी इज स्टक इन अ लॉकडाउन साइकिल फ्रॉम अ लॉन्ग अगो, इफ वी डिसेबल इट वी शुड बी एबल टू लीव। तो शायद कोई लॉकडाउन, यहाँ पर मैंने बताया था ना कोई वायरस फैल गया है, तो सेम इस समय वही सीन है, जिस वजह से यहाँ पर कोई आया नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है, सब कुछ सारा काम रोबोट्स ही कर रहे हैं। विल नीड टू ब्रिंग द रेस्ट ऑफ दिस सिस्टम ऑनलाइन, तो यहाँ पर भी कोई आने नहीं वाला, इसकी हमें कोई टेंशन नहीं है। यानी दिस कंप्यूटर होल्ड द डेटा वी नीड। ओके वी नीड टू टर्न देम ऑन। व्हाइल यू डू दैट आई विल लुक फॉर पासवर्ड्स एंड इनक्रिप्टेड कीज टू गेट इन टू द सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे कंप्यूटर्स वगैरह के पासवर्ड वगैरह हैक कर रहा, ताकि हम लोग सारे कंप्यूटर्स को ऑन कर पाएँ। मुझे तब तक क्या करना है, शायद से मुझे थोड़ा बहुत इधर उधर ढूंढ ढांडी करनी है। यहाँ पर कुछ कंप्यूटर्स हैं जिन्हें मैं ऑन ऑफ कर पा रहा हूँ इन कीबोर्ड पे पैर रख के। ये वाला भी ऑन कर दो, ये भी ऑन कर दो, मुझे सबको ऑन करना है क्या? लग तो ऐसी रहा, ये तो ऑन था, रुक जाओ इसको वापस करा ऑन, ये भी ऑन है एंड ये ऑफ था, ऑन ये ऑन, ठीक है सबको ऑन करना है। इसको भी कर देता हूँ ऑन ऑन ऑन, डन। अच्छा यही करना था, सब ऑन हो चुका है। इट वर्क, गुड जॉब माई फ्रेंड। मेरा बिल्ली में ज़्यादा दिमाग है। आई फाउंड इट, आई नो हाउ टू ओपन दिस सिटी, समथिंग्स ऑफ हेयर। ये कह रहा है कि इसे सिटी कैसे ओपन करने है ये पता है, बट ऐसी कोई चीज़ है जो यहाँ पर ऑफ हो रखी है जिसको ऐसे शादी हो नहीं पाएगा। वेट मे बी देयर इज अ वे अराउंड इट। ये दोबारा से चेक कर रहा है, हम लोग पूरा एस्केप कर चुके हैं। ये क्या है, रूफ कंट्रोल स्टेशन, सिस्टम इज लॉक्ड। देयर दैट्स द वर्क स्टेशन टू ओपन द सिटी, बट देयर आर सेवरल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम यूजिंग इट। ओके
तो जो सिस्टम है जो इस पूरी सिटी को अनलॉक करेगा, उसे यूज़ करने के लिए काफ़ी सारे सिस्टम है जो कि लॉक हो रखे हैं, तो हमें उसे ओपन करना है, फिर उसके बाद ही काम होगा। नाउ वी नीड टू डू व्हाट वी डू बेस्ट, मी आई विल हैक द मशीन्स एंड यू डिस्ट्रॉय सम स्टफ, डन करेंगे। अभी तू ये मशीन हैक करेगा और हमें कुछ चीज़ें तोड़नी है, कैसे तोड़नी है मुझे नहीं पता। मैं पीछे पीछे कहाँ रह जा हैकर, ये इसमें कुछ करना है क्या, समझ नहीं आ रहा उसमें। तो यार काम पूरा हो चुका है, बस ओ ये क्या है, ये है क्या, एक सेकंड, ओ ठीक है, तो मुझे इसे तोड़ना है वायर्स को, लग तो ऐसी रहा है। ये ले तारे मैंने सारी तोड़ दी है और हो गया काम शायद। ओ ई हैक हैक, समझ गया। सिस्टम इज स्टिकिंग मोर देन आई एक्सपेक्टेड, मतलब हो गया है ना वो हैक, तो हो गया है ना। ओ अलर्ट, ऐसा क्या कर दिया यार, अब क्या पुलिस आएगी या क्या आएगा। ओ नो वी आर गो टू कीप गोइंग, कोई आने नहीं वाला ना। वैसे कंट्रोल रूम में देखो रोबोट्स ही, रोबोट्स एंटर नहीं कर सकते, आएंगे तो रियल एक ह्यूमन ही आएगा, और ह्यूमन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो शायद मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बाकी ठीक है, अपना प्लान, हमें इसने बोला कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए। और ये देखो काम हुआ है गाइस, ये देखो यहाँ पर पहले तीन लोग आ रहे थे, अभी ये देखो दो लोग हो चुके हैं ना, यानी हमें दो को और ढूंढ के काम कंप्लीट करना है। यहाँ पर है, इसको हमें हैक करना है, बट पहले वायर्स तोड़नी है। वायर्स कहाँ से टूटेंगी, इसमें तो है ही नहीं। ओ ये रहा, मुझे इसे हटाना है। अच्छा सारी अलग अलग जगह हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह ढूंढ के हम अपना काम कर सकते हैं। ले भाई वायर मैंने तोड़ दिया है और इसे हैक करना है, अब जा हैक कर दे। नाइस, दूसरा वाला भी हो चुका है, तीसरा हमें ढूंढना है। इसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्या हो गया उसको भाई, कुछ भी वर्ड लिख रहा है। डोंट वरी आई कैन रिचार्ज वंस वी ओपन दैट वर्क स्टेशन। और अभी मुझे प्रॉपर फील आ रही है, तीसरा वाला खोलते ये फूटने वाला है और हमारे साथ हमारा ये प्यारा रोबोट बाहर नहीं जा पाएगा इस सिटी से। मस्त सैड एंडिंग होने वाली है इस गेम का, मैं पहले से ही प्रिपेयर हूँ। तो लास्ट वाला ये रहा भाई, अलग ही तरीके से छुपा रखा है सारा, मुझे इसे गिराना है। शायद मुझे पहले ऊपर जाना है एंड यहाँ से इसको पुश करना है। चल भाई उधर निकल ले। अब मेरे को वायर तोड़नी है, मैं एस्केप करता हूँ भाई, बस मेरे को पता चल गया रोबोट नहीं जाने वाला, ये फूट जाएगा लास्ट वाले में। ले भाई फूट जा, जा हैक कर और फूट जा। पूरा हैक हुआ, 3 2 गया। लेट गया भाई, आई थिंक दिस लिटिल बॉडी इज डन फॉर। इट्स ओके, आई विल बी ऑल राइट, जस्ट कैरी मी टू वर्क स्टेशन, वी कैन डिसेबल दैट अलार्म। ओह वैसे अलार्म डिसेबल करने की जरूरत क्या, बट कर देते हैं कह रहे तो भी मेरे को इसे वर्क स्टेशन तक लेकर जाना है, शायद वहाँ पर ये ठीक हो जाएगा। यही है वर्क स्टेशन देखने में तो लग रहा है। पहले चढ़ता हूँ इस पर और फिर यहाँ पर, और यहाँ पर से रखना है। अरे रुक जा, नीचे गिर जाएगा भाई, ये रख दिया इसे। चल भाई रिपेयर होएगा या रिचार्ज होएगा, उसने अलार्म डिसेबल कर दिया एंड दैट्स इट, वी आर सेफ। हम पहले भी डेंजर में नहीं थे वैसे। लिसन आई हैव समथिंग टू टेल यू, आई न्यू द पावर रिक्वायर्ड टू डिसेबल दिस सिटीज सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम वुड बी इमेंस, मोर देन दिस ड्रोन बॉडी कुड हैंडल, बट विद द सिक्योरिटी नाउ डिसेबल आई कैन टेक कंट्रोल ऑफ दिस सिस्टम एंड ओपन दिस सिटी। Overriding it could destroy my software, but I made that choice when I hooked into that first computer and the consequences it could bring. So ye risk mein jaane wala hai, bahut dangerous. I'm sorry we won't see the outside together. Main keh raha tha ye kuch na kuch to aisa hoga, ye repair hone ke baad bhi nahi ja payega. I thought I needed to carry on the memories of humanity to hold on to the past. Theek hai jaldi mar yaar, de nikal iski. You are my friend, the very best I could have asked for. Thank you. चलो अभी अपना पूरा बेस्ट ट्राई कर रहा है सिटी को ओपन करने के लिए, एंड इसके बाद शायद से ये ख़राब हो जाएगा या गया ख़त्म, जैसा इसने बोला था वही हुआ। ओ नाइस, अलग ही इमोशन जोड़े हैं भाई एक रोबोट के साथ इस गेम में। जो लोग सीरीज शुरू से देख रहे हैं उन्हें पता होगा। ओ
एंड आई थिंक सिटी ओपन हो चुकी है, डोर ओपनिंग। ओ भाई, देख रहे हो, ये फेक स्पेस बना रखा था मेरे को, मैं कह रहा था ना असली एक नेचुरल लाइट अब आई है बाहर की। मतलब ये एक ऐसी सिटी थी जिस सिटी को ऊपर से बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर मतलब आप सोचो एक जगह है जहाँ पर वायरस फैला है और सिटी को पूरा बंद कर दिया, मतलब जितने बंदे अंदर रह रहे थे वो वहीं रहेंगे, बस ख़त्म, बाहर की दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो रोबोट्स ही बचे थे यहाँ पर, सारे लोग यहाँ से भाग गए थे और अब फाइनली इन रोबोट्स को भी नज़ारा देखने को मिला बाहर का। ओह भाई कितनी प्यारी लग रही है सनलाइट इस सिटी पे। और यहाँ पर ओह ये तो क्लेमेंटाइन है ना, ओह क्लेमेंटाइन के पीछे ड्रोन्स पड़े थे वो भी बच चुकी है, नाइस, यानी सारे सेफ है भाई। एक सेकेंड भाई, अपनी कैट तो भाई रोते रोते तो नहीं, बट हाँ सो ही गई थी। एंड अभी इसको फेंकना है, क्या करना है, मतलब साथ लेके ही चलना है वैसे तो। अरे बस यार, बस हो गया, उसको यहीं पड़े रहने दो यार, अब ये गलत डाला है। और कि यहाँ ये धीरे धीरे देखो रूफ ऊपर जा रही है, ओपन हो चुकी है, और नीचे देखो भाई ये कितनी प्यारी सिटी है, वैसे देखने में कैसी सी लग रही थी बट अभी बहुत अच्छी लग रही है भाई। मतलब पहले बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते होंगे बट धीरे धीरे करके ये देखो वो फैल रखा है ना वायरस सारा वहाँ पर, भाई साहब पता नहीं शायद वो भी गायब हो जाएगा सनलाइट की वजह से या फिर क्या सीन है। मुझे भी यहाँ से निकलना है या फिर बैठ के सब कुछ देखना है, शायद मैं निकलने ही वाला हूँ। कंट्रोल रूम ओपन हो जा, नाइस ओपन हो रहा है, मेरे को अभी सिटी के लिए जाना है, एस्केप ही करना होगा वैसे तो। यहाँ पर सबवे, ये वाला दरवाज़ा तो नहीं ओपन होने वाला, मे बी सिटी, ओ सिटी ओपन लिख कर आ गया यहाँ पर। ओ क्या रॉयल एग्जिट हो रहा है भाई, लेट्स गो। ये मैं उस जगह पे ही आ गया क्या जहाँ से गेम स्टार्ट हुआ था, देखने में थोड़ी वैसी सी लगी, नहीं नहीं वैसी सी है बट वो नहीं है। एंड हमें अपने बाकी कैट फ्रेंड्स को ढूंढना है जहाँ से अपना गेम स्टार्ट हुआ था, हम लोग उनसे पछड़ गए थे ना और पता नहीं कहाँ से उस सिटी में जाके गिर गए थे। पहुँचे, बाहर आ चुके हैं भाई, ऑक्सीजन, ऐसा ऑक्सीजन अंदर भी होगी बट अब फ्रेश ऑक्सीजन। एंड बाकी लोगों से मिलके दिखाना चाहिए था। ओ ये हिंट था, क्या था एंड में, कुछ तो हुआ वहां पर शायद, स्ट्रेट टू हमें देखने को मिले। एंड गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये गेम सचमुच में बहुत ज्यादा प्यारा था यार, बहुत ज्यादा, मतलब 2022 का वन ऑफ द बेस्ट गेम है जो मैंने खेले हैं। प्रॉपर मजा आया स्टार्टिंग में, मतलब वो पहले डे से ही जो मजा आ रहा था ना भाई, वो मजा पूरा एंड तक कंटिन्यू रहा। और ये सब ना बहुत कम गेमों में होता है, ऐसे रेजिडेंट ईविल में हमेशा ये चीज़ रहती है कि जो मजा शुरू में है वो मजा एंड में जाता है तो उतना बढ़ जाएगा और या फिर उतना ही रहेगा। और कई गेमों में क्या होता है, स्टार्टिंग में फर्स्ट डे मजा आता है, सेकेंड डे कम हो जाता है, थर्ड डे मिशन बढ़ते जाते हैं, तो होती हैं कई गेम्स, बट ये वो नहीं थी, मज़ा पूरा मेंटेन रहा, स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा था और पूरा मेंटेन रहा एंड तक, तो काफ़ी मज़ा आया। आई होप आप लोग को भी ये गेम प्ले सीरीज जरूर अच्छी लगी होगी। और एंड जो था थोड़ा सा देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद स्ट्रे टू में कुछ भयंकर होने वाला है, मेरे को लग रहा आएगी क्योंकि कुछ तो हिंट छोड़ा है इन्होंने। बाकी हाँ आई होप आपको सीरीज़ अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो जाके इस वाली वीडियो को भी लाइक कर दो और अपने उन फ्रेंड्स के साथ इस गेम प्ले सीरीज़ को जरूर शेयर करना जो लोग बस एक ही गेम में लगे रहते हैं, स्पेशली उन्हीं को शेयर करना यार, क्योंकि उनको ऐसा लगता है यार एक ही गेम है, मैंने कई जगह नोटिस करा है। तो आप लोग उनके साथ ये गेम शेयर करो, उन गेम प्ले सीरीज शेयर करो, उन्हें दिखाओ और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाकी नई नई गेम प्ले सीरीज के आइडियाज आप लोग नीचे मुझे कमेंट्स में जाके बता सकते हो, मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।